हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न इट वन क्लिक। फ्रेंड्स, की आज के इस वीडियो में हम मार्च सेकेंड वीक का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, 8th मार्च से लेकर 15th मार्च का। ये पार्ट टू वीडियो है फ्रेंड। पार्ट वन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ओके, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें पार्ट वन वीडियो में आपको नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम एप्स, इंडेक्स और रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज और जो भी हमारी इंडिया एक्सरसाइज है या फिर वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है उसको मैंने कवर किया। इस वीडियो में बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज, पर्सन इन न्यूज इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स और स्टैटिक्स की न्यूज मैंने कवर किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड। और ये वीडियो आपको LIC AO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर वीडियो है ये आपको सारे गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन, जो अपकमिंग 6 मंथ तक जितने एग्जामिनेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और SBI PO RBI ग्रेड बी, नाबार्ड सेबी ग्रेड ए, SSCGL 2019, RRBJ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ही वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम की चैनल पर या फिर ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। साथ ही साथ आप मेरे FB पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर मेंशन कीजिए। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस टॉपिक से, ओके। जो फर्स्ट MCQ है, देखिए जो मोड है आपका MCQ फॉर्मेट है, देन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो फर्स्ट न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $26 मिलियन फॉर इंप्रूविंग ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $26 मिलियन का, जिसमें वे ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो किस सिटी के ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने वाले? तो ऑप्शन है कावाली टाउन इन आंध्र प्रदेश, डिब्रूगढ़ टाउन इन असम, आटागढ़ टाउन इन उड़ीसा, होस्कोटे टाउन इन कर्नाटक। तो इसका आंसर है डिब्रूगढ़ टाउन और असम का जो सिटी है, टाउन है, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। $26 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक सैंक्शन लोन वर्थ 689 करोड़ रुपीज टू 1600 MSME वाया इट्स पोर्टल, डेडिकेटेड पोर्टल फॉर लोन इन 59 मिनट। वो कौन सा बैंक है जिसने 689 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है MSME के लिए, 1600 MSME के लिए अपने पोर्टल के द्वारा लोन इन 59 मिनट्स? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक 689 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। स्टूडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड एन ऐप टू डिटेक्ट फेक करेंसी? किस IIT के स्टूडेंट ने एक ऐप डेवलप किया है जिससे फेक करेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर के स्टूडेंट ने एक ऐप डेवलप किया है जिससे फेक करेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता है। विच कंट्री इज प्लानिंग टू रिलीज अ डिजिटल करेंसी कॉल्ड SOV? सोवरेन एक डिजिटल करेंसी रिलीज करने के लिए सोच रही है, तो उस कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन है मार्शल आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड एंड फिजी। इसका आंसर फ्रेंड मार्शल आइलैंड न्यू एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है SOV सोवरेन। IRDAI और NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक पैनल डिसाइड किया है, गठित किया है, जिसमें जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ओके, ये हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, जिसमें आपको 5 लाख रुपये पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ के लिए। तो उसमें जो फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसको हेड कौन कर रहा है? तो ऑप्शन है जावेद रफीक मलिक, सुरेश माथुर, दिनेश अरोड़ा, सुभाष चंद खुंटिया। तो इस पैनल पे हेड कर रहे हैं दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा जो है आपका डिप्टी CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, ओके, और ये 11 मेंबर की पैनल है फ्रेंड। OECD फोरकास्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू 10% इन 2019। OECD ने ग्लोबल ग्रोथ को कितना फोरकास्ट किया 2019 के लिए? ऑप्शन है 3.4%, 3.3%, 3.5%, 3.2%। इसका आंसर है 3.3% 2019 के लिए, और 3.4% इसने फोरकास्ट किया है 2020 के लिए। हु वॉज द हेड ऑफ 5-member कमिटी टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ प्रॉपर एंड स्ट्रक्चरल स्कीम प्रोवाइडेड ऑफ इंश्योरेंस कवर टू एडवोकेट? देखिए एक 5-member की पैनल बनाई गई है जिसमें
इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड की जाएगी एडवोकेट के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च करने के लिए 5 मेंबर के पैनल बनाएंगे। तो उस पैनल पे हेड कौन कर रहे हैं? तो ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, नील बकले, आलोक श्रीवास्तव एंड जैन मार्टिन। इस पैनल पे हेड करें आलोक श्रीवास्तव जो सेक्रेटरी हैं लीगल अफेयर के। तो ये जो कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि जो एडवोकेट हैं उनको इंश्योरेंस कवरेज मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, इसलिए ये पैनल बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू आधार रेगुलेशन 2019 बाय UIDAI, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग आधार सर्विस हैव टू पे हाउ मच अमाउंट फॉर ईच कस्टमर वेरिफिकेशन। देखिए जो भी बिजनेस सर्विसेज हैं आप से आधार ऑथेंटिकेट करते हैं, आधार वेरीफाई करते हैं, तो अब वो वेरीफाई करेंगे तो उनको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो वो कितना अमाउंट है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन है 50 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 30 रुपीज। ओके, तो इसका आंसर फ्रेंड 20 रुपीज। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एंटिटी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इससे बाहर रखा गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो उनको 20 रुपये पे करना होगा पर कस्टमर। अगर वो 15 डेज के अंदर में UIDA के पास 20 रुपये पर कस्टमर नहीं डिपॉजिट करते हैं तो उनको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा, और कुछ ज़्यादा डिले हो जाएगा तो उनको आधार ऑथेंटिकेट करने से भी डिबार किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, RBI decided to offer granted financial support of 2% per annum to for short-term crop loan up to dash for farmer at interest rate of 7%. देखिए RBI ने डिसाइड किया है कि 2% इंटरेस्ट सबवेंशन छूट देने वाली है अगर कोई फार्मर डैश अमाउंट तक लोन ले रहा है शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन देखिए, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन होता है कि आपको एक सीजन के लिए लोन लिया जाता है जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर में आपको वो लोन कंप्लीट कर देना होता है 7% के रेट पर। तो कितने तक के लिए? तो 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसका आंसर है 3 लाख। अगर आप 3 लाख रुपये तक का लोन ले रहे हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा, जिसमें से 2% RBI छूट दिया है पहले ना, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। और ये जो क्रॉप शॉर्ट टर्म के जो ड्यूरेशन है 2018-19 और 19-20 के लिए। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इश्यूड बिजनेस गाइडलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ATM टू सोर्स कैश डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल बैंक। देखिए पहले चलिए इसका आंसर बाद में कर रहा हूँ। कौन सा वो ATM सोर्स है जिस जो डायरेक्टली RBI से कैश ले सकता है, तो रिजर्व बैंक ने उसको छूट दिया हुआ है। तो ऑप्शन है व्हाइट लेवल ATM, ग्रीन लेवल ATM, येलो लेवल, पिंक लेवल। तो इसका आंसर फ्रेंड व्हाइट लेवल ATM। व्हाइट लेवल ATM जो था पहले आपको बैंक से पैसा लेता था, बट इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स में चेंजेस किया है और जो व्हाइट लेवल ATM के ऑपरेटर्स हैं वो डायरेक्टली RBI से पैसा लेकर अपने ATM में फुलफिल कर सकते हैं। व्हाइट लेवल ATM क्या होता है? देखिए आप दो तरह के ATM देखिए, एक टाटा का ATM देखा होगा आपने, इंडिकैश, टाटा का इंडिकैश ATM आप देखें, वहाँ पर किसी बैंक का नहीं इंडिकैश लिखा रहता है। ओके, तो ये व्हाइट लेवल ATM होता है। वहीं अगर आप SBI ATM जाएंगे तो ये ब्राउन लेवल ATM होता है। ओके, आई मीन जिस बैंक जिस ATM में आपको किसी बैंक का लोगो नहीं मिलेगा वो व्हाइट लेवल ATM होगा। तो पहले व्हाइट लेवल ATM को बैंक से पैसा लेना होता था, बट अब RBI ने रूल को नॉर्मलाइज और आसान किया है और व्हाइट लेवल के जो ऑपरेटर्स हैं वो डायरेक्टली RBI से पैसा लेकर व्हाइट लेवल ATM में कैश को भर सकते हो। ओके, जिससे और ज़्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा और साथ ही साथ व्हाइट लेवल ATM में भी अब आपको बिल पेमेंट, रिचार्ज करने, ये सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होंगी जो ब्राउन लेवल ATM में होते थे। AU फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप किया है किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपने बैंक इंश्योरेंस के अंडर में? तो ऑप्शन है बजाज अलायंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC, एर्गो जनरल इंश्योरेंस एंड एक्को जनरल इंश्योरेंस के लिमिटेड। तो इसका आंसर है एक्को जनरल इंश्योरेंस साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप किया बैंक इंश्योरेंस के टर्म में। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ओके, और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 स्टेट ऑफ इंडिया साइन अ लोन एग्रीमेंट वर्थ डैश फॉर द डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट। देखिए डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट की लोन साइन की है 5 स्टेट के लिए? ओके, तो ऑप्शन है $137 मिलियन,
147 मिलियन डॉलर, 117 मिलियन डॉलर, 127 मिलियन डॉलर। इसका आंसर है 137 मिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने लोन साइन किया है डैम रिहेबिलेशन प्रोजेक्ट के लिए, 5 स्टेट के लिए। विच बैंक एक्सटेंड लोन वर्थ ऑफ 4100 करोड़ फॉर विशाखापट्टनम वाईजैक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? विशाखापट्टनम मेट्रो रेल के लिए किस बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को 4100 करोड़ रुपीज? तो इसका ऑप्शन है कोरिया एक्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर है फ्रेंड कोरिया एक्जिम बैंक। कोरिया एक्जिम बैंक ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को 41 करोड़ रुपीज लोन प्रोवाइड किया है। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट है 8300 करोड़ रुपीज और 3 कॉरिडोर बनने वाला है, लगभग 42 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप फॉर टेक्निकल असिस्टेंट टू IBBI अप टू जून 30, 2021। IBBI ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप से साइन एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नाम बताना है जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा IBBI को। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ग्रुप जो वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है, उसके साथ IBBI ने एग्रीमेंट साइन किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू लिंक इट्स इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट विद बैलेंस एवर 1 लाख रुपीज एंड शॉर्ट टर्म लोन टू रेपो रेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये ऑप्शन है, देखिए रिजर्व बैंक के रेपो रेट के साथ अपने शॉर्ट अगर आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया से ऊपर है और शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं तो रेपो रेट से लिंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई मीन जितना रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज करेगा अपने मंथली पॉलिसी में, उतना ही आपका सेविंग रेट और लोन शॉर्ट टर्म लोन्स में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो कौन सा वो बैंक है जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है? तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट के साथ अपने रेट्स को सेटअप किया हुआ है। Which insurance company was awarded with the prestigious Golden Peacock Innovative Product Award 2019 for the contextual in micro insurance Ola Rider Insurance? Option A Bajaj Alliance, Aditya Birla Health Insurance, APCO General Insurance, Kotak Mahindra Insurance. इसका आंसर है फ्रेंड APCO General Insurance को दिया गया है आपको Golden Peacock Innovation Product Award इसके Ola Rider Insurance के लिए। According to India Rating and Research, how much percent of credit growth is witnessed by a state-owned bank? Okay, तो इसका option है 8%, 7.5%, 8.4%, 7.2%। इस answer पे 7.2% जो अभी इस year में होगा credit growth, sorry 8.4% होगा। जो क्रेडिट ग्रोथ रहा 8.4% रहा और डिपॉजिट ग्रोथ रहा 4.9%। देखिए क्रेडिट ग्रोथ का मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 17 और 18 था उस समय लोन कितना डिसबर्स हुआ और इस बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 में लोन कितना डिसबर्स हुआ था। फाइनेंशियल 17-18 का कंपेरिजन 8.4% ग्रोथ हुआ और डिपॉजिट जो हुआ है 4.9% ज़्यादा हुआ है। ओके, name the bank that became the first public sector bank to launch creche daycare facility for the employed children. Okay, उस public sector bank का नाम बताना है जिसने daycare facility employ के children के लिए launch किया। तो option है Canara Bank, State Bank of India, Indian Bank या Bank of Baroda। इसका answer फिर Bank of Baroda। Bank of Baroda जो है employ के children के लिए daycare facility launch किया है जिसमें bank 60% of cost bear करेंगे और जो रेस्ट अमाउंट होगा वो पेरेंट्स यानी जो इम्प्लॉय होंगे 40% कॉस्ट बियर करेंगे। अगर बैंक के इम्प्लॉय को इम्प्लॉय के चिल्ड्रेन को कुछ होता है तो फिजिकली या फिर हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी होता है फाइनेंशियल लॉस होती है तो। नेम द बैंक विच इज कैटेगराइज एज प्राइवेट सेक्टर लेंडर बाय आरबीआई रिसेंटली। ये कॉमन न्यूज है बट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि LIC ने इस अपना स्टेक इसमें 51% हायर किया है। तो ऑप्शन है JK बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, IDBI बैंक, RBL बैंक, यस बैंक। देखिए ये तीन बैंक तो ऑलरेडी आपको प्राइवेटाइज है। तो IDBI बैंक पहले पब्लिक सेक्टर बैंक था,
अभी इसको प्राइवेटाइज कर दिया है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम स्टेक है LIC के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो बैंक था आपको जनवरी से ही प्राइवेटाइज था, बट अभी मार्च में जाकर 13 या 14 मार्च को RBI ने सर्कुलर लाया है, शायद 14 मार्च का, 14 मार्च को RBI ने सर्कुलर लाकर बताया कि IDBI को एज ए प्राइवेटाइज प्राइवेट बैंक कैरेक्टराइज कर दिया गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू ICRA ग्रॉस NPA ऑफ बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 1% इन मार्च 2020। मार्च 2020 में कितना NPA हो जाएगा, डिक्रीज होकर, क्योंकि इस साल फाइनेंशियल ईयर आपको 18 और 19 में बहुत ज़्यादा बैंक को रिकैपिटलाइज किया गया है और इंसॉल्वेंसी बैंक सबसे कोर्ट के अंदर में बहुत सारे पैसा रिकवर भी किए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है NPA डिक्रीज होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन है 7.2%, 7.5%, 8%, 7.9%। इसका आंसर है 7.9%। NPA रिड्यूस होकर 7.9% हो जाएगा, लगभग 1.9 to 2.4% तक रिड्यूस हो सकता है फाइनेंशियल 2019 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रेस्ड 487 crore थ्रू Basel III कंप्लेंट बॉन्ड फॉर फंडिंग इट्स ग्रोथ प्लान। ठीक है, वो कौन सा बैंक है जो Basel III कंप्लेंट बॉन्ड के अंदर में 487 crore रुपये रेज किया। तो ऑप्शन है HDFC बैंक, येस बैंक, करोड़ वेस्या बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है करोड़ वेस्या बैंक, ये प्राइवेटाइज बैंक है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि करोड़ वेस्या बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। Name the specially designed mentorship program launched by Avia Life Insurance to empower the female workforce. अपने फीमेल वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम बताना है विंग शक्ति महिला बिजनेस। तो इस प्रोग्राम का नाम है विंग नाम का ये प्रोग्राम है जिससे महिला को अपने फीमेल एम्प्लॉय है उनको एम्पावर किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। विच कंट्री सेंट्रल बैंक रिलीज द न्यू क्वाइन दैट फीचर्स द क्रीमिया ऑफ क्रेच स्ट्रेट ब्रिज टू मार्क क्रीमरा रीयूनिफिकेशन। क्रीमियाज रीयूनिफिकेशन को मार्क करने के लिए कौन से कंट्री का सेंट्रल बैंक ने एक न्यू क्वाइन लॉन्च किया है। ऑप्शन है रशिया, आइसलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया। इसका आंसर है रशिया। रशिया ने आपका क्रीमियाज रीयूनिफिकेशन के लिए को टू मार्क क्रीमियाज रीयूनिफिकेशन एक क्वाइन लॉन्च किया है। ओके, वहाँ सेंट्रल बैंक है। इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $250 million, $250 million का फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा किस कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर अर्थक्वेक, वहां पर अर्थक्वेक आने के बाद। ऑप्शन है हैती, इंडोनेशिया, नेपाल, ताइवान। इसका आंसर फिर नेपाल। इंडिया नेपाल को हेल्प करने वाला है क्योंकि वहां पर 2015 में अर्थक्वेक आया था अप्रैल, और अब जाकर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हो रही है, तो इंडिया नेपाल को हेल्प करने वाला है $250 million से। What is the new trade credit limit for import transaction for oil and gas defined in marketed airline shipping companies under the automatic route? The automatic route के अंदर में new trade credit limit कितना है? तो उसका ऑप्शन है $120 million, $180 million, $100 million, $150 million। तो इसका आंसर है $150 million। RBI ने एक new trade credit policy launch की है जिसमें credit limit रखा गया है $150 million तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और इससे पहले जो था ऑटोमेटिक रूट के अंदर में बैंक को अलाउड टू अप्रूव ट्रेड क्रेडिट लिमिट अप टू $20 million, इससे पहले बैंक सिर्फ $20 million तक ही अप्रूव कर सकते थे, और इससे बियॉन्ड जाने के लिए आपको RBI से अप्रूवल चाहिए होता। RBI विल बाय हाउ मेनी बिलियन फ्रॉम द बैंक अंडर स्वैप डील फॉर द फर्स्ट टाइम टू एनहेंस लिक्विडिटी इन द सिस्टम यूजिंग न्यू टूल ऑन 26 मार्च 2019 को RBI स्वैप डील के अंदर में कितना $1 billion परचेज करने वाला है। तो ऑप्शन है $5 billion, $2 billion, $10 billion एंड $1 billion। तो RBI $5 billion परचेज करने वाला है जिसमें से वो 35,000 rupees सिस्टम में इंजेक्ट करने वाला है। ओके, और ये RBI 3 years के अंदर में रिटर्न भी कर देगा स्वैप डील के अंदर में। और ये जो ऑप्शन होने वाला है पहली बार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहली बार होगा बाय और सेल स्वैपिंग 26 मार्च 2019 को। अब जो मिनिमम साइज इसका होने वाला है आपका $25 million के मल्टीपल में होंगे, या तो आप $25 million की एक यूनिट लीजिए या फिर $50 million
या तो 75 मिलियन डॉलर एस इस मल्टीपल में आपको ये बिडिंग होने वाली है, बैंक बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच बैंक एक्सपेक्टेड टू विटनेस ग्रोथ रेट ऑफ 25 to 30% ओवर ओवर मीडियम टर्म। देखिए कौन सा बैंक अपकमिंग डेज में 25 to 30% ग्रो कर सकता है मीडियम टर्म के अंदर में, तो ऑप्शन है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर है स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रो करने वाला है। नेम द बैंक विच ऑफर अ न्यू डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विस फॉर सीनियर सिटीजन डिफरेंशली एबल एंड इनफ्रीम अकाउंट होल्डर एज वेल एज विजुअली इम्पावर्ड। देखिए डोर स्टॉप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला है सीनियर सिटीजन एंड PWD पर्सन के लिए, तो कौन सा बैंक है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं अपने कस्टमर के लिए, अगर वो सीनियर सिटीजन है या फिर वो डिफरेंसली एबल्ड पर्सन है, और ये बैंक के 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर वो पर्सन का घर होम ब्रांच 5 किलोमीटर के रेडियस में है। ओके, तो नेम द मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च बाय कॉरपोरेशन बैंक इन 10th रीजनल लैंग्वेज ऑन द 114 फाउंडेशन डे। ओके, तो कॉरपोरेशन बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 10 रीजनल लैंग्वेज में, उसका नाम बताना है कॉर्पमो, कॉर्प बैंक, कॉर्पेज, कॉर्प ऑनलाइन। अभी इन्होंने 12 मार्च को 114वीं फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इस ऐप का नाम है कॉर्पेज। विच बैंक बिकम द थर्ड इंडियन कंपनी टू अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ मोर देन 6 ट्रिलियन डॉलर, 6 ट्रिलियन रुपीज। देखिए फर्स्ट बैंक है और थर्ड इंडियन कंपनी है। ओके, उसका नाम बताना है जो 6 ट्रिलियन डॉलर टच कर लिया है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। जो फर्स्ट है आपका रिलायंस है, सेकेंड पर TCS है और थर्ड जो है आपका HDFC है। ये TCS और रिलायंस के बीच में हमेशा फ्लक्चुएशन होते रहता है। ओके, और थर्ड नंबर पे HDFC बैंक आ गया था जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 6 ट्रिलियन डॉलर टच कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट होगा, कमिटी होगा, किसी निधन हो गया है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूँ जो स्लाइड में मेंशन नहीं है, गोवा के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनका निधन हो गया है, मनोहर पारिकर जी का। ओके, और उनके प्लेस पर अभी अपॉइंट हुए हैं जो न्यू CM, उनका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके ओके, सब जो फर्स्ट न्यूज है इसमें, हु वॉज अपॉइंटेड एज नॉन एजुकेटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 3 ईयर्स। ऑप्शन है राकेश शर्मा, पल्लव महापात्र, राकेश मखीजा एंड करनाम शेखर। आंसर इस सफेद राकेश मखीजा, और इन्होंने संजीव मिश्रा को सक्सीड किया है, ये नॉन एजुकेटिव चेयरमैन है एक्सिस बैंक। हु वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया है? ऑप्शन है अहमद कुरई, इस्माइल हनिये, असलाम फयाद, मोहम्मद स्टाही। आंसर इस सफेद मोहम्मद स्टाही। अनुप कुमार दुबे एंड सुशील कुमार वर अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। किस एजेंसी के अंडर में अनुप कुमार दुबे और सुशील कुमार को स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है CBI, ED, ट्राई एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तौर पर, स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर आपको अनुप कुमार दुबे और संजीव कुमार को स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में। Who was appointed as officer on a special duty in South Coast Railway for setting of new zone at Visakhapatnam? देखिए विशाखापट्टनम में रेलवे का न्यू जोन अभी बनाया गया है, वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तौर पर किसको अपॉइंट किया गया? ऑप्शन SS श्रीनिवास, संजीव कुमार, हनीश यादव, अनुज गुप्ता। इसका आंसर फ्रेंड SS श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर साउथ जोन, न्यू जोन एट विशाखापट्टनम ऑफ रेलवे। Who was appointed a chief scientist of WHO? Chief scientist ये इंडियन है, किस उनका नाम बताना है? सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन है अरशद हफीज, स्लेव पेनोटोरव एंड एलेक्जेंड्रो स्वार्ट्स। तो इसका आंसर है सौम्या स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है एज चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। और ओके, और इससे पहले यहाँ पर ये WHO पर डेप्टी डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी है।
अजित कुमार मोहंती जो अपॉइंटेड है डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अजित कुमार मोहंती को किस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर तौर पर अपॉइंट किया है? नेशनल ऑटोमेटिक रिसर्च लेबोरेटरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अमित कुमार मोहंती को अपॉइंट किया गया है बार्क के स्पेशल डायरेक्टर तौर पर। बार्क के डायरेक्टर हैं अजित कुमार मोहंती। गवर्नर कुमारनम राजशेखरन ने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से, तो ये किस स्टेट से गवर्नर थे? ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो कुमारनम राजशेखरन जो थे मिजोरम के गवर्नर थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लोकसभा के इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से साउथ के बहुत अच्छे लीडर हैं। नेम द 116 ईयर्स ओल्ड जापानीज वीमेन हु आर ऑनर्ड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंडर में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन है जिंदा लिविंग पर्सन, 116 साल का नाम बताया है। केन टनाका, चियो सैरसी, आशा टैकी एंड टाई इटो, इसका नाम है केन टनाका, ये जापानीज है। वो जो अपॉइंटेड है गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनडीपी, रिसेंटली यूएनडीपी के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है रवीना टंडन, पद्मा लक्ष्मी, रोहित शर्मा, एम एस धोनी। तो इनका आंसर है पद्मा लक्ष्मी। 8 मार्च को इनको अपॉइंट किया गया था वीमेंस डे के तौर पर, यूएन की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर। ये एक इंडियन अमेरिकन है, टेलीविजन पर्सनालिटी है, मॉडल भी है, और इनको इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि इनकी जो फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन वीमेंस के मेनली रिच और पुअर कंट्रीज में जो पीपल्स हैं उनको इन्होंने हाईलाइट किया, इसलिए इनको गुडविल एम्बेसडर तौर पर यूएनडीपी ने अपॉइंट किया है। सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट 3 मेंबर मेडिएशन पैनल फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट केस, हु इज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस को सेटल करने के लिए एक 3 मेंबर की मेडिएशन पैनल गठित किया, उस पैनल को हेड कौन कर रहा है? तो ऑप्शन है श्री राम पंचो, एफ एम कालीफुआ, श्री रविशंकर रंजन गोगोई। तो इस पैनल को हेड कर रहे हैं एफ एम कालीफुआ, या सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी हैं। और इस पैनल को असिस्ट कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचो। हुआ जो अपॉइंटेड है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर किन को अपॉइंट किया गया? तो फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर ऑप्शन है हसमुख आदिया, सुभाष शंकर, अशोक लवासा, भी नजरान। तो सुभाष चंद्र को अपॉइंट किया गया है जो फाइनेंस सेक्रेटरी, और साथ ही साथ ये अभी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी है। तो ये अभी फाइनेंस अफेयर सेक्रेटरी और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हमारे सुभाष चंद्र गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड आशु कुल्लर एज सीईओ ऑफ इंडिया बिजनेस? सीईओ ऑफ इंडिया बिजनेस के तौर पर आशु कुल्लर को कौन से बिजनेस कंपनी अपॉइंट किया? तो ऑप्शन है सिटी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक। तो सिटी बैंक ऑफ इंडिया जो यूएस की, जो अपेरेंटली यूएस की कंपनी है और इंडिया में आज वर्क करती है, तो इंडिया में फॉरेन बैंक है सिटी बैंक। तो यहाँ आशु कोल्डर को अपॉइंट किया गया है इंडियन सीईओ। हु रिसीव्ड यशवंत राव चव्हाण नेशनल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन के लिए यशवंत राव चव्हाण नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अभिजीत पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, बी सुब्बाराव। तो डॉक्टर रघुराम राजन को सम्मानित किया गया है यशवंत राव चव्हाण नेशनल अवार्ड के। हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड, ASRB बोर्ड के लिए न्यू चेयरमैन के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शन है गुरबच्चन सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, आदित्य मिश्रा, राजीव मल्होत्रा। तो आंसर है आदित्य कुमार मिश्रा, एक वेटरिनरी साइंटिस्ट हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के तौर पर। नेम द US ओलंपिक साइकिलिंग मेडलिस्ट हु पास्ड रिसेंटली एट द एज ऑफ 23 इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए USA एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और जिनका निधन हो चुका है, साइकिलिस्ट थे 23 ईयर्स के एज में। तो उनका नाम बता रहा, ऑप्शन है करेन कुरे, जिल किंचर, केली कैटलिन, तानिया लिंडियो। इनका नाम है केली कैटलिन। केली कैटलिन 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता है, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। हु इज द हेड ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल
जो रिव्यू इशू कंसर्न इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी के ऊपर जो भी इशूज है उस माइंड रिव्यू में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के लिए सब कमेटी बैठाई गई, उसको कौन हेड कर रहे हैं, उसे लीड कौन कर रहे हैं? तो ऑप्शन है हेमंत दास, अजय त्यागी, शक्तिकांत दास, सुभाष चंद्र। इसके आंसर है आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास इस सब कमेटी को हेड कर रहे हैं। Then the person who topped the 2019 ESPN World Fame 100 list and annual list the most famous athletes on the planet. Okay, so option A, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rohit Sharma. So 2019 ESPN World Famous वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं, और इंडिया तरफ से बात करें तो विराट कोहली 7वें नंबर पर हैं, महेंद्र सिंह धोनी 13वें नंबर पर हैं, और टॉप 100 में 8 इंडियन क्रिकेटर हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज अ मीडिएटर फॉर सॉल्विंग वेरियस डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएटर अपॉइंट किया है जो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने को, उसको किसको अपॉइंट किया? तो ऑप्शन है एम साकरे, पी एस नरसिम्हा, एस ए बोबडे, डी के जैन। तो आंसर इसका फ्रेंड पी एस नरसिम्हा को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, जो क्रिकेट के बीच में जो भी क्रिकेट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे। नेम द साइंटिस्ट हु वाज अपॉइंटेड वाज ऑनर्ड बाय रॉयल मिंट, रॉयल मिंट के द्वारा जिनके नाम पर 50 पेंस का एक कॉइन इशू किया गया है ब्लैक होल के नाम पर, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है पीरे क्यूरी, अल्फ्रेड नोबल, स्टीफन हॉकिंग, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है, और इनके ब्लैक होल की स्टडी के ऊपर 50 पेंस का कॉइन इशू किया गया है, और इनके जो बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस चीज के लिए भी। Name the person who was honored with the Commonwealth Youth Award for the Asia region. Asia region के लिए जो Commonwealth Youth Award है उस किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है श्रीविद्या, पद्मनंबा, गोपालन, जुबैदा बाई, महालक्ष्मी शर्वानंद। आंसर है पद्मानंद गोपालन, ये सोशल एंटरप्रेन्योर है तमिलनाडु से। एम आर कुमार अपॉइंटेड है चेयरमैन ऑफ फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम आर कुमार को किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन ऑर्गेनाइज किया गया है? ओके, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंपोर्टेंट इवेंट, एल आई सी के चेयरमैन तौर पर एम आर कुमार को अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये, इन्होंने सक्सेस किया है बीके शर्मा को। नेम द वेटरन हिंदी न्यूज रीडर हु पास्ड अवे एट रिसेंटली एज ऑफ 80 ईयर। देखिए अभी हिंदी न्यूज रीडर थे, उनका निधन हो गया, उनका नाम बताना है रामू दामोदरन, शर्मा सुल्तान, विनोद कश्यप, गीतांजलि अय्यर। तो इनका आंसर है विनोद कश्यप का निधन हो गया, एक हिंदी न्यूज रीडर थे। ओके, अभी स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हम देख लेते हैं। नेम द इंडियन बॉक्सर हु वन योर गोल्ड मेडल इन द 56 केजी कैटेगरी इन द 36 गीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि अभी हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ। हेलसिंकी फिनलैंड में गीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, तो इंडियन बॉक्सर का नाम बताएं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो शिव थापा, कविंद सिंह बिस्ट, मोहम्मद खुशमुद्दीन, दिनेश दावर। इसका आंसर है कविंदर सिंह बिस्ट, 56 केजी कैटेगरी में गीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। हु बिकम द 61st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? अभिजीत गुप्ता, अय्यन पनीर सेल्वम, कृष्णन शशिकिरण, पेंटला हरि श्री कृष्णन। इसका नाम है इंडियन पनीर सेल्वम, ये इंडिया का 61st ग्रैंड मास्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव प्रोविजनल रिकॉग्निशन एज अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ने शामिल कर लिया गया है? ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन फर्स्ट एवर मेडल इन द एशियन ओपन लेजर सेलिंग चैंपियनशिप दैट हेल्ड इन सिंगापुर? ओके, तो उपमान्यु दत्ता, हर्षिता तोमर, राजेश चौधरी, सी के पार्डीपत। इसका आंसर है उपमान्यु दत्ता। Liu Hong of China broke the world record of which of the following event at the Chinese Race Walk Grand Prix in Hong Kong? देखिए, लियू हॉन्ग ने ब्रेक
वर्ल्ड कप को अभी तोड़ा है, चाइनीज रेस वॉक ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था होंगसेंग में, तो उस इवेंट का नाम बताना है। तो 10 किलोमीटर रेस वॉक, 30 किलोमीटर रेस वॉक, 50 किलोमीटर रेस वॉक एंड 20 किलोमीटर रेस वॉक। तो इसका आंसर है 50 किलोमीटर रेस वॉक। 50 किलोमीटर रेस वॉक में लियू हॉन्ग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। इंपॉर्टेंट मुझे, विच सिटी वॉज अ कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल बीच वॉली, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे, बीच वॉली टूर्नामेंट। इसका आंसर है, ऑप्शन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, त्रिवेंद्रपुरम केरला, मार्गो गोवा एंड कोची। तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बीच वॉली बॉल टूर्नामेंट होने वाला है। विच एशियन कंट्री इज होस्टिंग द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम, वर्ल्ड समर स्पेशल ओलंपिक जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2019 होने वाला है, कौन से सिटी में होने वाला है, कौन से कंट्री में होने वाला है? ओके तो कंबोडिया, म्यांमार, यूएई या जॉर्डन। तो इसका आंसर है यूएई, यूएई के अबू धाबी सिटी में होने वाला है स्पेशल ओलंपिक समर ओलंपिक। नेम द गेमिंग प्लेटफॉर्म विच बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ वीवो आईपीएल 2019। तो ऑप्शन है ड्रीम इलेवन, फैन फाइट, किंग्स विन। ड्रीम इले वीवो आईपीएल 2019 के लिए ड्रीम इलेवन ने ऑफिशियल पार्टनरशिप किया है वीवो। विच टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आफ्टर डिफेट इन महाराष्ट्र, गुजरात क्रिकेट टीम, बड़ौदा, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट टीम, दिल्ली। तो इसका आंसर है कर्नाटका स्टेट क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में को जीता है, महाराष्ट्र को हारा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक की न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर देखिए लांको टिस्टा हाइड्रो पावर प्लांट किस स्टेट में है, पंजाब, मध्य प्रदेश, सिक्किम, केरला। ओके तो ये जो है सिक्किम में है, सिक्किम में है आपका लैंको टिस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 907 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर बनाई जाएगी, 500 मेगावाट की। यूनियन कैबिनेट अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ कीड़ो हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड ओडिशा। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में है कीड़ो कीड़ो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम क्या है जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। तो इसका थीम है फ्रेंड थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इंटरनेशनल वीमेन डे पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छे से सेलिब्रेट की जा रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ईरोड तमिलनाडु गेट जी आई टैग आफ्टर 8 ईयर ऑफ प्रोग्रेस, 8 ईयर के प्रोसेस के बाद जी आई टैग दिया गया है तमिलनाडु की ईरोड से, कौन से वो वस्तु है? तो ऑप्शन है सनगुड़ी, जामाकलम, टर्मेरिक, रेड ग्राइंडर। तो इसका आंसर है टर्मेरिक को जी आई टैग मिला हुआ है, अभी 8 सब प्रोसेस के बाद दिया गया है। ओके जी आई टैग, जी आई टैग दिया गया है पूर्व अरबिका कॉफी को, किस स्टेट की है ये? ओके तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वायना केरला, कर्नाटका, कोरापुट ओडिशा। ओके तो कोडाको कर्नाटका का है ये, कुर्ग अराबिका कॉफी जी आई टेक दिया गया है, केरला का टर्मेरिक, फिर आपका कर्नाटका का कुर्ग अराबिका कॉफी। ओके फिर सिरसी सुपारी किस स्टेट की है जिसको जी आई टैग दिया गया, पहली बार दिया गया सिरसी सुपारी जो है ये भी कर्नाटका की है। ओके हु ट्रांसलेटेड द शीर्षो बंदोपाध्याय फर्स्ट बंगाली नोवेल, शार्दुल सुंदरी, शार्दुल सुंदरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है द टाइगर विमेन के नाम पर, तो किसने ट्रांसलेट किया है? ऑप्शन है जीत थाली, अमिताभ घोष और अरुणिमा सिंह, अमित चौधरी। तो जो शार्दुल सुंदरी है उसे टाइगर वुमेन के तौर पर अरुणिमा सिन्हा ने ट्रांसलेट किया है। ओके जो शार्दुल सुंदरी था शीर्षो बंदोपाध्याय का फर्स्ट बंगाली नॉवल था और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अरुणिमा सिन्हा ने द टाइगर वुमेन के नाम से। ओके तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। स्टे ट्यून टू माई चैनल, अपकमिंग वीडियो आपको कल तक अपलोड हो जाएगा।